श्रावस्ती में सेव द चिल्ड्रन व स्वास्थ्य विभाग संयुक्त टीम के द्वारा दस्त अभियान का शुभारंभ किया गया। सीएचसी अधीक्षक दीपक शुक्ला ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। बढ़ती गर्मी को लेकर सेव द चिल्ड्रन और स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया, जिसपे गांव-गांव जाकर आशा हेल्थ वर्कर सेव द चिल्ड्रन 1 जून से 15 जून तक चलाएंगी। इस अभियान में दस्त और डायरिया से पीड़ित बच्चों को चिन्हित करके ORS का पैकेट का वितरण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण बच्चों को लाभ मिल सकेगा। आपके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिलोड़ा में दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है, इनसे किन किन लोगों को क्या लाभ मिलेगा? आज से 1 तारीख से लेके और 15 जून तक हमारे पूरे ब्लॉक या पूरे डिस्ट्रिक्ट में दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का शुभारम्भ किया गया है। इसी उपलक्ष में सेव द चिल्ड्रन हमारी पार्टनर एजेंसी है, जो इस दस्त नियंत्रण पखवाड़ा में हमारा सहयोग कर रही है। उनके माध्यम से कैनोपी लगा के यहाँ पे उसका शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत हमें 5 साल के बच्चे जितने भी हैं, उसमें आशाएं घर घर जाएंगी, चिन्हीकरण करेंगी। जहाँ पे 5 साल के कम के बच्चे हैं और दस्त से पीड़ित हैं, तो उनको ORS और जिंक दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको हाथ धुलने के बारे में, क्योंकि दस्त जो है वो बेसिकली गंदगी की वजह से ही फैलता है, तो आशाएं उनको थोड़ा सा संवेदीकृत करेंगी कि आपके घर में अगर इनसे कम के बच्चे हैं तो उनको हाथ धोने की आदत डालिए, और दस्त के बचाव के कारण ORS बनाने की विधि कि ORS बनाने की विधि कैसी, कितनी कितनी मात्रा उनको देनी है, जिंक उनको कैसे देना है। तो ये सारा एक शुभारम्भ है, एक अच्छी पहल है, और सेव द चिल्ड्रन की टीम की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग है। इनके वॉलेंटियर्स गांव-गांव में हमारे यहाँ हर एक ग्राम पंचायत में एक एक कैनोपी लगा के और उनमें संवेदीकृत किया जाएगा। वहाँ पे उन बच्चों को जो डायरिया से पीड़ित हैं उनको ORS और जिंक की गोलियाँ भी वितरित की जाएंगी। साथ ही साथ समाज को संवेदीकृत भी किया जाएगा कि डायरिया एक गंभीर बीमारी हो सकती है, इसका बेसिकली ORS और जिंक से एक अच्छा बचाव किया जा सकता है, बच्चे का जीवन सुरक्षित रह सकता है, तो उसके लाभ के बारे में भी ये लोग संवेदीकृत करें। धन्यवाद।